सारे कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता मंच पर विराजे, सारे हमारे लीडर, हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष, हमारे प्रत्याशियों से बैठी साहब और सारे मंच पर विराजे जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, बूथ के वर्कर, पार्षद, मीडिया, सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आप लोग इतने टाइम से इधर वेट करके हमारे लिए सुनने के लिए बैठे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आदरणीय राहुल गांधी जी को, अशोक गहलोत जी को और खास करके सचिन पायलट जी और रघु शर्मा जी दोनों को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा देना चाहता हूँ कि मुझे आपके पास आके अजमेर जैसी महान जगह का एक प्रत्याशी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं आशा करता हूँ मैं उनके उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। आप लोग सबका आशीर्वाद, सचिन जी, सब जी, सब लोग, रघु जी जैसे बना रहे वैसा ही मेरे पे बनाए रखे, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। सचिन पायलट जी ने जितने अच्छे अच्छे काम यहाँ पे करे 2009 और 2014 के बीच में, मेरे ख्याल से आप सब लोगों को उस बात के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एयरपोर्ट से लेके, कारखानों से लेके, बिजली से लेके, एजुकेशन से लेके, नौजवानों के लिए उन्होंने जितने काम करे वो सराहनीय है। आज अजमेर शहर अगर राजस्थान में और हिंदुस्तान में अजमेर की चर्चा है तो मैं उसका बहुत बहुत बड़ा श्रेय और धन्यवाद सचिन जी को देना चाहता हूँ कि अजमेर को उन्होंने पूरे भारत के मैप पे फेमस कर दिया है। किसी कारण से 2014 में वो टूट गया, हमारे जो अजमेर कांग्रेस का रिश्ता था अजमेर का, आपने देखा 5 सालों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तरक्की क्या हुई क्या नहीं हुई, क्या क्या चीजें हमारे से रह गई, क्या क्या आप उसे भूल गया, क्या क्या किया गया। लेकिन आज एक बार फिर मौका है, सचिन जी ने मेरे को आपके बीच में भेजा है, इतना भरोसा मेरे ऊपर किया है कि मैं यहाँ आके अजमेर में आपके बीच में अपनी बात रख कर सकूं। और आपके ऊपर सचिन जी ने भरोसा किया है मुझे यहाँ भेजकर, क्योंकि अजमेर की जनता को सचिन जी से बेहतर कोई नहीं जानता। तो अगर मुझे आपके बीच में भेजा है तो कुछ सोच समझ के भेजा है। जो काम सचिन जी ने अजमेर के लिए किए हैं, अजमेर के युवा के लिए किए हैं, उसके लिए आगे हम मैं अगर उसको थोड़ा बहुत भी बढ़ा सकूं तो मेरे लिए ये बहुत फख्र की बात होगी। यहाँ की जितनी दिक्कतें हैं, जितनी प्रॉब्लम है अजमेर की और जितने आगे ले जाने वाले काम है मैं अपनी तरफ से करूंगा। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है सारे लोगों को साथ लेके चलने वाली पार्टी है, कोई जहर नहीं, कोई मिलावट नहीं, कोई खराब काम नहीं। मेरे मन में कांग्रेस के लिए हमेशा से 15-20 साल से एक यही भाव को लेके कांग्रेस की तरफ में झुकते रहा हूं। और सारे लोग कुछ भी कह लें लेकिन एक गरीब तबकों की, सब लोगों को सोचने वाली एक पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। 2007 में कांग्रेस ने मनरेगा जैसी स्कीम लेके आई थी जिसकी सब लोगों ने खिल्ली उड़ाई थी कि मनरेगा के लिए पैसा कहां से आएगा, इसको कैसे दिया जाएगा। एक साल के अंदर कांग्रेस ने करके दिखाया और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं विश्व में सबसे पॉपुलर आज वो स्कीम है तो मनरेगा की स्कीम है। आज राहुल गांधी जी ने जिसको कहते हैं गरीबी पे सर्जिकल स्ट्राइक वो लॉन्च करी है, न्याय की स्कीम। अगर आप सब जो यहाँ बूथ लेवल वर्कर है सब बूथ में अपने सब वार्ड में न्याय को पढ़े और अपने लोगों तक लेके जाए, इसका जो बेनिफिट है 72,000 रुपए हर साल एक गरीब के माता के बहन के अकाउंट में डाल दिए जाएंगे और ये उसको आप कैसे खर्चे ना खर्चे ये आपके ऊपर है। इससे कितना पैसा गरीबों के बीच में आएगा, कितना पैसा खर्च होगा, इकोनॉमी चलेगी, सारे काम होंगे, अगर ये बात को आप लोगों के सामने रखें तो मेरे ख्याल से कोई दुनिया की शक्ति, बीजेपी कुछ कह ले, सोशल मीडिया पे कुछ कह ले, मेरे बारे में आपके बारे में बोलने दो उनको एक तरफ, कांग्रेस के जितने काम है वो एक तरफ, उस काम को आप लोगों के बीच में लेके जाए। कांग्रेस के तरफ जो भावना है, जो कांग्रेस काम कर सकती है अगले 5 सालों में उसको लेके जाए तो मेरे ख्याल से कोई हमें आज मेरे से हरा नहीं सकता। मैंने सचिन जी से एक प्रॉमिस किया है, आने से पहले सचिन जी से मैंने एक वादा किया है कि जितने वोट से आप जीते थे, जितने वोटों से रघु शर्मा जी जीते थे, अजमेर की जनता मेरे को उससे ज्यादा वोटों से जिताएगी और फिर हम आपके साथ आएंगे आशीर्वाद देंगे और साथ में राहुल गांधी जी के पास जाएंगे जब वो प्रधानमंत्री बन चुके होंगे और
और एक एक पैसा जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, जो गवर्नमेंट की सुविधाएं हैं, वो हम अजमेर के लिए लेके जाएंगे और सारे लोगों के बीच में उसको बांटेंगे। यहाँ पे आके कारखाने लगाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, जहां जहां अजमेर को जिस चीज की जरूरत है अजमेर को वो दिलाएंगे। ये सीट मेरी सीट नहीं है, ये सीट आपकी सीट नहीं है, किसी की सीट नहीं है, ये सचिन जी के प्रतिष्ठा की बात है। अजमेर का नाम कुछ भी कोई कह रहे सचिन जी से जुड़ा हुआ है, और ये सीट अब जीते हैं तो ये सचिन जी की जीत होगी, कांग्रेस की जीत होगी। अगले 20 दिन हम सभी ये भूल जाएं कि मेरा नाम रिंजू झुनझुनवाला है, इनका नाम ललावता जी है, आपका नाम कुछ और है। हम सबका नाम एक कांग्रेस कार्यकर्ता का नाम है, जिसको जो काम है वो काम करें। भाइयों, ये चुनाव बहुत कठिन है, आपको पता है हम किससे जूझ रहे हैं, वो किसी चीज की कसर नहीं छोड़ते। साम दाम धन भेद कुछ भी कर लो, हर तरफ के मिलावट की बातें, कुछ भी करके उनको चुनाव जीतना है। मैं 4 दिन से देहात में घूम रहा हूँ, लहर उनके खिलाफ है, वो भड़क गए हैं, लहर उनके खिलाफ है, वो कुछ भी कर सकते हैं। हमें सतर्क रहना है अगले 20 दिन, हमें जिस कार्यकर्ता को जो काम करना है, अगर मेरा जो काम है मैं 24 घंटे वो करूं, बूथ लेवल वर्कर का जो काम है वो करे, ना हम लेफ्ट देखे ना राइट देखे, अपना अपना काम करते जाए। और 29 तारीख को एकदम सतर्क रहकर 11 घंटे कैसे एक से ज्यादा एक वोट निकाल कर हम कांग्रेस के लिए लाए, एक एक वोट में कांग्रेस को विजयी बनाए। और ये सारा डेटा किसी से छुपा नहीं है आजकल, एक एक डेटा की जानकारी शक्ति ऐप के थ्रू राहुल गांधी जी के पास, मुख्यमंत्री जी के पास, सचिन पायलट जी के पास, हर जगह है। जिस वार्ड से जितनी जीत हम दिला सकते हैं कांग्रेस को, उतना ही मैं और आप हाथ जोड़कर ठोक के जा सकते हैं उनके पास, उस वार्ड के लिए उतनी सुविधाएं लाने के लिए। और ये काम हम करके दिखाएंगे, कांग्रेस की जितनी सुविधाएं हैं हम यहाँ लाएंगे। मेरे तरफ से मैं आपको सिर्फ यही आश्वासन देना चाहूंगा कि आपके बीच में जब भी आऊंगा आज के बाद, मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि सर उठा के आ सकूं, कभी सर झुकाने का मौका नहीं दूंगा आपको, इतने काम हम करेंगे। अजमेर में क्या चीज की दिक्कत है वो देख रहे हैं हम, 2 चीज की मुख्य दिक्कत है यहाँ पे, एक तो पानी की और दूसरी यहाँ बिजनेस नहीं है ज्यादा। भीलवाड़ा में मैंने देखा है जब एक आदमी एक चीज को ठान लेता है वो आदमी उस चीज को करके छोड़ता है। सीपी जोशी जी ने डिसाइड कर लिया था कि भीलवाड़ा में पानी की प्रॉब्लम है, वो किसी भी तरह कुछ भी करके 2-3 साल के अंदर अंदर गवर्नमेंट से स्कीम बना के भीलवाड़ा के लोगों को ला के चंबल का पानी आप भीलवाड़ा में देके आए हैं। आज आप पूछ लीजिए भीलवाड़ा में किसी से, पहले टैंकर बिकते थे भीलवाड़ा में, कोई टैंकर नहीं बिकता, सारा शुद्ध पानी भीलवाड़ा में आज के दिन आ रहा है। वैसा ही काम हम सीपी जोशी साहब से या जिससे भी सीख कर साथ में मिलकर, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगले 2 साल के अंदर अंदर अगर आपने मौका दिया तो कुछ भी हो, चाहे दिन रात एक करके मुझे सोना ना पड़े, पानी की समस्या अजमेर की हम एक बार वंस एंड फॉर ऑल इसको हल करके सामने लाएंगे। उसके बाद सारी सुविधाएं जब अजमेर में हमारे पास होगी, मैं सचिन जी को अपने साथ लेके जाऊंगा, हाथ जोड़ के, हाथ पकड़ के, एक एक जो बिजनेसमैन है, एक एक जो व्यवसाय लगाने वाले लोग हैं, दिल्ली में बैठे, अजमेर में बैठे, आपके जयपुर में बैठे, बॉम्बे में, विदेश में बैठे, सबको पकड़ के आप इधर लाएंगे कि आप अगर कहीं अपनी फैक्ट्री लगाना चाहते हो तो पहले लिस्ट बनाइए आपको क्या चाहिए, अजमेर में आइए एक हफ्ते, अजमेर को देखिए, अजमेर के लोगों से मिलिए और यहाँ पे कारखाने खोलिए, ताकि यहाँ का जो युवा है वो कहीं रोजगार ना, उसको बाहर ना ढूंढना पड़े, वो बेरोजगार नहीं हो। साथियों, इस चुनाव में मेरे लिए सिर्फ 2 ही मुद्दे हैं, एक तो अजमेर की प्रगति और विकास, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कॉलेज खोले, स्कूल खोले, व्यवसाय खोले, और दूसरी चीज जो है वो युवा को लेकर इतनी रोजगार हम यहाँ पे ले आएंगे कि 5 साल में अजमेर की शक्ल बदल देंगे हम, कोई युवा को बाहर जाने का मौका नहीं मिले। ये काम आप हमें मिलकर करेंगे। आज सुबह से हम घूम रहे हैं, सुबह से सारे वार्डों के चक्कर लग रहे, हमारे सारे ब्लॉक में हम मीटिंग कर रहे हैं, मैं देहात में भी गया हूँ पिछले 5 दिन में। लेकिन मैं आपको दिल से ये बात कहना चाहूंगा, जो संगठन यहाँ देखने को मिल रहा है वो बहुत कम जगह देखने को मिल रहा है। अब इस संगठन को वोट में हम कैसे कन्वर्ट करें और कांग्रेस पार्टी को कैसे जिताएं, ये आप सबके ऊपर है। मैं आशा करता हूँ यहाँ से कोई हमारे तरफ से कोई कमजोरी नहीं दिखाई जाएगी। हम सारे भाई बहन जो यहाँ मिलकर काम कर रहे हैं, आप सब जो मिलकर काम कर रहे हैं, 29 तारीख को यहाँ पे 95% पोलिंग होगी और कांग्रेस के पक्ष में पोलिंग होगी। कल 9 तारीख है, कल नामांकन भरने का दिन है, चारों बड़े लीडर
अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, अविनाश पांडे जी और रघु शर्मा जी, वो हमारा हौसला बुलंद करने के लिए कल चारों लोग नामांकन भरने आ रहे हैं। ये दिखा देने का समय है उनको कि सारा अजमेर शहर, सारा अजमेर देहात, पूरा अजमेर लोकसभा क्षेत्र एक पद पे खड़ा है और कांग्रेस को जिताने के लिए खड़ा है। हम इतनी भारी संख्या में कल आके दिखाए मुख्यमंत्री जी को, सचिन पायलट जी को, कि उनको आश्वासन हो जाए और एक लहर जो कांग्रेस के लिए बनी हुई है ये आंधी में तब्दील हो जाए और अगले 20 दिन हम ऐसा धुआंधार प्रचार करें कि एक हवा बन जाए कि कांग्रेस वापस आ रही है। और 11 तारीख को हम इतने वोट दिलवाए 29 तारीख को 11 घंटे में कांग्रेस को, कि यहां से राजस्थान में जो सबसे ज्यादा मार्जिन से सीट जीत के आए वो अजमेर हो। और उसके बाद मैं आपको ये इस बात की गारंटी आप मेरे को दीजिए कि अजमेर में आप जिता के लाएंगे कांग्रेस को सबसे भारी बहुमत से। अगले 5 साल की गारंटी आपके साथ खड़े रहने की और अजमेर के हक के लिए लड़ाई लड़ने की वो मैं लेता हूँ। आप यहाँ आए, मेरी बात सुने, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपके बीच में आने का मौका मिलता है इसी बात को लेकर मैं कल आप सबसे मिलने की आशा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कभी तीन तलाक के नाम पर, कभी घर वापसी के नाम पर, तो आप जब हमारी कांग्रेस राजस्थान में आ चुकी है तो सबसे पहले हमने जवाब दिया गौ रक्षा के नाम पे। माननीय सचिन पायलट जी ने जिस तरीके से जगहें मर रही थी वहां पे जाकर के उन लोगों ने जिस तरीके से गायों का संरक्षण किया, यह हमारी उपलब्धि है। दूसरी बात, जो तीन तलाक इन्होंने शुरू की थी वो तीन तलाक राजस्थान के चुनावों में, मध्य प्रदेश के चुनाव में और छत्तीसगढ़ के चुनाव में जो तीन तलाक का जवाब हमने इनको दिया है वो सराहनीय है। और अब घर वापसी का वक्त आ चुका है, आप लोग हमारे साथ हैं तो आप इसी मोदी जी को वापस घर वापसी की तरफ में लेकर के जाएंगे। खत्म करूंगा कि किस बात का दर्द है कि बच्चे घर नहीं आते, जो पत्ते सर्द हो जाए वो पेड़ों पर नहीं आते, क्यों तू बेदखल करता है मकानों से मकीनों को जिनके पेट में निवारे नहीं होते, वो किस तरीके से अपने घर को चलाते हैं। रिजू जी, आप युवाओं को रोजगार दीजिए, सारे युवा आपके साथ में रहेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कार्यकर्ताओं के जोश को देखते हुए कि 25 मई को जो रिजल्ट घोषित होगा उसमें हमारे बनने वाले सांसद 23 मई को हमारे बनने वाले सांसद आदरणीय रिजू झुंझुनवाला जी के स्वागत का जो कार्यक्रम प्रारंभ हो उससे पहले हमारे उत्तर ब्लॉक के बीएलए प्रधान भाई मुजफ्फर भारती जी दोस्त कुछ अपनी बातें कहना चाहते हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा। अपने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कह करके संगठन के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ कि यह आप मंच के ऊपर जो प्रभारीगण देख रहे हैं ये एक व्यू चक्र शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने बनाया है। हर वार्ड में एक प्रभारी, उस प्रभारी के अधीन 10 समन्वयक और हर बूथ पर 12 बूथ के कार्यकर्ता, ये चक्र व्यू बनाया है। उन जो पन्ना प्रमुख और अर्ध पन्ना प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के बनाए गए उसको भेजने के लिए, तो मैं सभी प्रभारीगण का स्वागत करते हुए मैं निवेदन करूंगा वार्ड 10 के प्रभारी आदरणीय गुलाम मुस्तफा चिश्ती साहब से मुलाकात करना चाहिए कि ये जो राष्ट्रवाद की बात कह रहा है, राष्ट्रवाद जब बच्चा हिंदुस्तान में पैदा होता है पहली सांस लेता है तो वो हिंदुस्तान की सरजमीन से जुड़ जाता है, वो राष्ट्रवाद उसमें स्वयं आ जाता है। किसी को देने की, किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं, हम खुद हिंदुस्तान के हैं और हिंदुस्तान की जमीन में रहेंगे और यहीं मरे हैं, यहीं जिएंगे और सीना तान कर आसमान पे रहेंगे कि हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानी हमारा वतन है और हिंदुस्तान का कायम रखना चाहिए। भाई इमरान सिद्दीकी जी, मैं ब्लॉक अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा, मैं ब्लॉक अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा, गिरधर तेजवानी जी वार्ड नंबर 4 के प्रभारी शहर कांग्रेस का, 5 के प्रभारी शहर कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष, 5-6 के प्रभारी सुरेश दत्त जी शहर में कार्यक्रम व्यवस्था में आए, आवाज सुन रहे हैं। वार्ड नंबर 8 के प्रभारी जी हैं, वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 10 के प्रभारी शहर कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सम्मानीय गुलाम मुस्तफा जी, वार्ड नंबर 53 के प्रभारी हमारे शहर के महासचिव भाई सुरेश कागरी, वार्ड नंबर 6 शैलेंद्र कुमार जी,
जी यहाँ पर अग्रवाल समाज के अध्यक्ष भी हैं सर। प्रणाम शर्मा जी, इमरान चिश्ती जी ब्लॉक पदाधिकारी, भगत नावरिया जी, महेंद्र कटारिया जी। लोग आज सुबह से लोगों की मीटिंग में थे और ये आपकी चौथी मीटिंग है, कमोबेश यही उत्साह और यही जोश कांग्रेस कार्यकर्ताओं में है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप लोगों में बहुत जोश है, बहुत उत्साह है, बहुत उमंग है। ये उमंग और ये उत्साह आपका बना रहे कि 29 तारीख को हम अति से अधिक मतदान करवा करके हमारे प्रत्याशी जिनको हमारे पास राहुल जी ने, अशोक जी ने, पायलट जी ने, रघु शर्मा जी ने भेजा है, उन्हें एमपी बना करके उन्हें वापस सौंपे कि साहब आपने प्रत्याशी भेजा था और आप ही एमपी संभालो। और ये तभी संभव है कि जब अपन ने जिस उत्साह से आज इनका स्वागत किया, जितनी मालाएं बनाई और जिस तरह होड़ लगी थी, और शायद मालाएं बंद नहीं करते तो अभी मालाएं बंद होती, इतना लोगों का उत्साह अभी भी है। तो आप सबके जज्बे को सलाम करते हुए मेरा आपसे कहना यह है कि इस जज्बे को आप 29 तारीख के दिन वोट में तब्दील करें, ये बहुत जरूरी है। आपके पास कहने को बहुत सी बातें, अभी राहुल जी ने गले परसों दिन बोला था कि न्याय योजना और अशोक गहलोत जी की 100 दिन के कार्य, ये लेके आप जनता के बीच में जाए और उनसे वोट मांगे। आपको पता न्याय योजना क्या है? पता हम लोगों को न्याय योजना कांग्रेस की ऐसी घोषणा है जिसमें राहुल जी ने घोषणा पत्र में जनता से वादा किया है कि यदि कांग्रेस की सरकार दिल्ली में आई तो प्रत्येक गरीब परिवार को 72,000 रुपए प्रति वर्ष उनके खाते में डाले जाएंगे और खाता होगा घर की मुखिया माँ बहन के नाम। इस प्रकार से हम गरीब का सशक्तिकरण करेंगे, ये राहुल जी की घोषणा है। और राहुल जी ने इसके लिए कहा है कि हमने 6 महीने में पूरा ऑफर कर लिया और ये हम इतना कर लिया है कि पैसा कहाँ से आएगा और किस तरह जाएगा, ये जुमलेबाजी नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे जो शाह ने कहा था कि 15 लाख की घोषणा जुमला था, हम जुमला नहीं कहेंगे। इसी प्रकार से राजस्थान सरकार ने जो काम 100 दिन में किए हैं वो आपके पास इतने के गिनाने को है कि आप यदि जनता के लिए चाहे तो जनता को बीजेपी वाले बोल नहीं सको। इसके अलावा जब पायलट जी हमारे यहाँ के एमपी थे और केंद्र मंत्री थे तो जो उनके काम है, चाहे वो हवाई अड्डा का हो, चाहे यूनिवर्सिटी का हो, चाहे नई रेल लाइन रेल का हो, और चाहे आपके क्या नाम BSNL के नए दफ्तरों का हो, इतने काम उनके किए हुए हैं कि उस गिनाओ बहुत है। चूंकि बहुत लंबा समय हो गया, मैं राज बोलना चाहता, मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ आपसे कि रिजिजू का व्यक्तित्व, इनका स्वभाव और इनका कमिटमेंट को देखते हुए इनको अपन जिला में और जिता के पार्लियामेंट भेजें ताकि हमारा वार्ड अजमेर का मजबूत प्रतिनिधित्व पार्लियामेंट में हो सके। और यह हम विश्वास करके चलिए कि रिजिजू जी ने खुद ने अपने भाषणों में कहा है कि मेरी दो बातें हैं, तो शहर का विकास और एक युवा को रोजगार। तो जिस व्यक्ति का इतना बड़ा कमिटमेंट हो वो व्यक्ति निश्चित रूप से आपका विकास करेगा। एक बार फिर मैं भाई इमरान को बहुत बधाई देता हूँ अच्छी मीटिंग के लिए और आप सबका बहुत अभिनंदन। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इमरान सिद्दीकी साहब, हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी रिजू झुंझुनवाला जी, लोकसभा बायती साहब, मंच में विराजमान सब सम्मानित नेतागण और मेरे सामने विराजमान तमाम मेरे वो जावा साथियों, मैं झुंझुनवाला जी से एक निवेदन करना चाहूँगा क्योंकि बहुत समय हो गया है, मैं अपनी वाणी को यही विराम देने के साथ ये तमाम वो जो साथी बैठे हैं ये वो जावा साथी हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए मरने वाले लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के संघर्ष करने वाले लोग हैं, कांग्रेस पार्टी को जिंदा करने वाले लोग हैं। तमाम साथियों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इन कार्यकर्ताओं का सम्मान रखना, ये आपका सम्मान रखेंगे और आपको अगले अतिशी लोगों को जिताकर आपको भेजेंगे।
परिवार से निकल के आता था, और आप लोगों ने तमाम साथियों की कृपा से 70 साल का हाईवे रोड मुझे प्राप्त हुआ इस अगले उत्तर के अंदर। और जहां तक रहने की बात करी, एक बार तो ऐसा वार्ड है, इस वार्ड में मैं 4,364 वोट से चुनाव जीता हूँ। ये वार्ड ब्लॉक है, तमाम का तमाम साथी है। मैं खाली नहीं मेरे तेलंगा के हमारे जो मंत्री बैठे हुए इमरान सिद्दीकी साहब, शैलेंद्र अग्रवाल जी, हमारे भी कैलाश हरिवान साहब, हमारे प्रेमवान साहब, हमारे में गिरधर खिजमानी जी, हरेश ओझा जी, राम जी, ये तमाम वो लोग हैं कि मैं इसके मुद्दे पर ज्यादा नहीं लेते हुए। और मेरा जो दोस्त बैठा है वो राहुल मित्तल, 35 साल पुराना दोस्त है मेरा, दुख में हो सुख में हो ये जात का घाट है, मैं जात का राजपूत हूँ। तो मेरे भाई कहते हैं